हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात का एक प्रमुख शहर सूरत के बारे में, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरत सूरत भारत के गुजरात राज्य में स्थित देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो कि किसी समय सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। ये गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। सूरत क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा शहर है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा साफ सुथरा शहर भी है। ताप्ती नदी शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत भारत का पहला ऐसा शहर भी है जहां के सड़कों पर फर्स्ट सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। इससे शहर में भारत का सबसे ज्यादा फ्लाईओवर कनेक्शन भी है। दोस्तों सूरत गुजरात राज्य का तीसरा ऐसा शहर भी है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 46 लाख के करीब है, जो कि इसे गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाद राज्य का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर बनाती है। दोस्तों जनसंख्या का 53% पुरुष जबकि 47% महिलाएं है। सूरत शहर की साक्षरता दर 89% है, जो कि राष्ट्रीय दर 79.5% से ज्यादा है। सूरत अपने राज्य के राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर दूर, अहमदाबाद से 290 किलोमीटर और मुंबई से 265 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों सूरत अपने कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरो की पॉलिशिंग यहीं पर होती है। अगर बात की जाए यहाँ के इतिहास की, तो सूरत का सबसे पहला वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाते समय यहाँ पर रुके थे। तब इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन इसका नाम कब और कैसे बदलकर सूरत पड़ा, इस बात का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। स्थानीय हिंदू परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के आखिरी सालों में गोपी नाम के एक ब्राह्मण द्वारा की गई है, जो इसे सूर्यपुर कहता था। आवागमन के दृष्टि से ये शहर वायुमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आइए जान लेते हैं यहाँ का कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। तो यहाँ का कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे डुमस बीच। सूरत मध्य शहर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये सूरत का काफी प्रसिद्ध एवं आकर्षित बीच है। गोपी झील सूरत के सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट की सूची में गोपी झील का नाम भी शामिल है। यहाँ आकर पर्यटन बोटिंग, बम्पर राइडिंग का मजा ले सकते हैं। डच गार्डन, अगर आप सूरत में किसी ऐसी जगह की तलाश में हो जहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो, तो आप सूरत के डच गार्डन को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और काफी शांत माहौल देखने को मिलेगा। जगदीश चंद्र बोस इक्वेरिज्म। दोस्तों ये सूरत मध्य शहर से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ आकर आपको 100 से भी अधिक मछलियों की प्रजाति देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा जगह है जो आप सूरत आकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को जरूर से फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप सूरत या गुजरात से हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।